लोगों को लगता है कि केवल ब्लॉगिंग करके ही पैसे कमाए जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहो तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी शुरू कर सकते हो। और ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखने का झंझट होता है, गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का झंझट होता है। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करके पैसे कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो कम्प्लीटली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक कम्प्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो और उससे पैसे भी कमा सकते हो। तो पूरा डिटेल अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप कम्प्लीट देखते रहना। और मैं पहले सबसे पहले चलिए दिखा देता हूँ कि किस टाइप की वेबसाइट हम बनाएंगे और क्या क्या आपको उसके अंदर फीचर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक्स स्टोर थीम को, क्योंकि ये ई कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। और वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे और अपना यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट वगैरह सेल करके हम पैसे कमाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से होने वाला है। हमारा यहाँ पे लोगो दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पे सर्च बटन है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट लोग सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे हम अपना सपोर्ट, कॉल सपोर्ट यहाँ पे देंगे, कॉल सपोर्ट का यहाँ पे नंबर रहेगा। साथ ही साथ साइन इन का बटन रहेगा, कंपेरिजन का बटन रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे विश लिस्ट यानी फेवरेट में डालने का ऑप्शन है, माई कार्ट का ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए होम बटन, ऑल डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी कैटेगरीज होंगी वो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखेगा। एलिमेंट्स का यहाँ पे यूज होगा, शॉप पे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टोरी भी आप अपना यहाँ पे डाल सकते हो, हॉट न्यूज, कॉन्टेक्ट अस का बटन यहाँ पे रहेगा। और यहाँ से अपना लैंग्वेज और यहाँ पे करेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेल दिखा रहे हो तो यहाँ पे सेल भी आपका दिखेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो नीचे की तरफ हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे कैटेगरी दिख रही है। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी इस तरह से है स्लाइडर के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरह से कैटेगरी लगाओगे और जो भी हमारा न्यू अराइवल प्रोडक्ट होगा हम इस स्लाइडर में डालेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्रोफेशनली एकदम अपना ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करोगे। और यहाँ पे देखो एक स्लाइडर है, तो ये काफ़ी अच्छा स्लाइडर यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह स्लाइडर आपको मिलेगा। आवर एडवांटेज में फ्री इंस्टॉलमेंट, बेस्ट प्राइस गारंटी, तो जो चीज़ें आप ई कॉमर्स में अपना देना चाहते हो, जो फीचर्स देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आते हैं, डील्स ऑफ द डे यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हेडफोन है, वायरलेस चार्जर, प्रोटेक्शन कवर, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च्ड जो प्रोडक्ट रहेगा वहाँ यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो, वर्चुअल रियलिटी, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी दिख जाएंगी। और नीचे की तरफ फिर आएंगे तो पॉपुलर ब्रांड्स यहाँ पे दिखेंगे। और उसके बाद एक्स स्टोर, एलिमेंटर इलेक्ट्रॉनिक, मेगा मार्केट, तो ये मतलब अपने अकॉर्डिंग ये सारे नाम आप रख सकते हो और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ देखो तो फ्रॉम आवर आर्टिकल्स, यानी कि आप इसमें अपना आर्टिकल्स भी यहाँ पे लिखोगे और आर्टिकल्स जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आर्टिकल भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप ऑर्गेनिक सेल भी जनरेट कर सकते हो। ये देखो अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, आपका प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे, तो उससे ऑर्गेनिक सेल होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ऑर्गेनिक सेल भी होगा आपका यहाँ पे। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल प्रोमोशन यहाँ पे दिखेगा और आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे लोग फॉलो भी कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ से आप ईमेल नोटिफिकेशन भी भेज पाओगे। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फुटर सेक्शन है, तो फुटर देखो काफ़ी अच्छा बना है और फुटर बार हमारा काफ़ी अच्छा बना है, तो इस तरह से फुटर बार भी हमारा होने वाला है। चलिए हम किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि ये JBL Go 2 है। तो इस प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, जब भी कोई यूजर ओपन करेगा तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है ओपन होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्राइसिंग वगैरह है, यहाँ इमेज वगैरह है और इमेज वगैरह यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे रेटिंग है, ऐड टू विश लिस्ट का है, कंपेयर का बटन है और 28 पीपल आर वेइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ, तो ये फीचर भी इसके अंदर मिल जाता है। और प्राइसिंग के साथ कलर वगैरह, यहाँ पे कितने स्टॉक में है प्रोडक्ट, कितना स्टॉक में है, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, बाय मोर सेव मोर, यहाँ पे और भी सेल कर सकते हो, तो ये सारे फीचर हैं जिससे हमारा यहाँ पे सेल्स बूस्ट हो सकता है। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये सारे फीचर्स देख सकते हैं, नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का मिल जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, यानी कि क्रॉस सेलिंग भी आप कर सकते हो रिलेटेड प्रोडक्ट्स का यूज करके।
और यहाँ पे रिव्यू का बटन मिल जाता है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे जो रिव्यू चेक करना चाहता है वो रिव्यू यहाँ से चेक कर पाएगा और रिव्यू यहाँ से सबमिट भी कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बाय नाउ का। यहाँ पे बाय नाउ बटन पे जब लोग क्लिक करेंगे, जब बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऐड टू कार्ट हो जाएगा और वो डायरेक्टली ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। और कोई भी कूपन कोड होगा तो एक क्लिक यहाँ पे क्लिक करके वो इंटर कूपन कोड इंटर कर सकते हैं अगर आप कोई ऑफ़र देते हो तो। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर डिटेल रहेगा और यहाँ पे हम अपना नाम वगैरह डाल के सिटी वगैरह डाल के कंटिन्यू ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्ट पेज हो गया और हमारा प्रोडक्ट पेज हो गया। और चेकआउट यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो वो ऑर्डर कंप्लीट होगा और आपको सेल जनरेट होगी और इससे आप पैसे कमाओगे। तो ये रहा हमारा डेमो, कुछ इस तरह का है और इस तरह की वेबसाइट बेसिकली हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ई कॉमर्स साइट बहुत ही प्रोफेशनल मैं आपको यहाँ पे बनाना बता रहा हूँ, बस आपको क्या करना है इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ये जो बेसिकली है ना, ये जो एक्स स्टोर थीम जो है मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। एक्स स्टोर थीम पे आप काफ़ी बढ़िया अपना ई कॉमर्स साइट बना सकते हो। तो एक्स स्टोर थीम आपको मिल जाएगा यहाँ पे themeforest.net पर। बेसिकली इसका लिंक मैं एक्स स्टोर थीम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो और यहाँ पे एक्स स्टोर थीम ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ फीचर बता देता हूँ। ये रिसेंटली अपडेटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और इस पर अपडेट रेगुलरली आता है। जैसे कोई अपडेट आता है तो ये अपडेट कर देते हैं और आपको यहाँ से अपडेट मिल जाता है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसके अंदर प्री बिल्ट थीम मिल जाते हैं जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप जैसा डिज़ाइन चाहो वो डिज़ाइन प्री बिल्ट आपको मिल जाता है इसके अंदर। साथ ही साथ नीचे की तरफ आएंगे, इसके अंदर आपको प्री बिल्ट 50+ स्लाइड्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे इसको लेने के बाद। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बिल्ड एनीथिंग मेगा मेनू बिल्डर मिल जाता है, तो मेगा मेनू बना सकते हो। एलिमेंटर हेडर बिल्डर मिल जाता है और भी नीचे आओगे तो प्रोडक्ट आर्काइव बिल्डर मिल जाता है। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कार्ट पेज को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, उसको भी बिल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और उसी तरह से सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर भी मिल जाता है, तो अपने जो सिंगल आपको प्रोडक्ट है वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और चेकआउट पेज बिल्डर भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, फुटर बिल्डर भी आपको मिल जाता है, तो फुटर को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। और 404 पेज अगर आपका आ रहा है तो उसे कस्टमाइज करके आप यूजर को कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है, ऑल यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग, तो एक्स स्टोर का जो लिंक है थीम का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से विजिट करो। और यहाँ पे इसके अंदर आप बेसिकली अनलिमिटेड लाइव थीम ऑप्शन आपको मिल जाता है। हाई कन्वर्टिंग ई कॉमर्स थीम है ये, ठीक है, तो आप इसे यूज करो। और $398 का यहाँ पे जब ये थीम आप लेते हो तो इसके अंदर $398 का प्रीमियम प्लगइन्स आपको मिल जाता है इनबिल्ट। और जैसे कि वो क्या है, वूकॉमर्स के अंदर पीडीएफ इनवाइस आपका ऑटोमेटिकली ये प्लगइन मिल जाएगा, तो पीडीएफ आपका इनवाइस जनरेट होगा। उसी तरह से यहाँ पे वूकॉमर्स एफिलिएट, अमेजन एफिलिएट, स्लाइडर रिवॉल्यूशन और भी जैसे यहाँ पे विश लिस्ट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं और आप इसे ज़रूर यूज करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये अप टू डेट मिलता है और साथ ही साथ प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास सपोर्ट आपको मिलेगा। अब सपोर्ट आपको मिलेगा एक्स स्टोर थीम के ऑफिशियल साइट पर। एक्स स्टोर थीम पर आओगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट, एक्स सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स स्टोर सपोर्ट। तो इस पर क्लिक करके आप इनका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से सपोर्ट लेके उसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम बात करते हैं कि कैसे बेसिकली हम यहाँ पे एक्स स्टोर थीम को अपने वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल करेंगे, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और साथ ही साथ थीम को इंस्टॉल करने के बाद हम कैसे अपना ई कॉमर्स साइट बनाएंगे, इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ होस्टिंगर, और इसके अंदर ये जो होस्टिंगर है ये वूकॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और वर्डप्रेस के लिए भी ऑप्टिमाइज है। तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे thehindibiography.in को हम इस डोमेन को बेसिकली यूज करने वाले हैं ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस आ गया, हम सिलेक्ट करेंगे इसे, तो आप होस्टिंगर में लॉगिन हो जाना। तो यहाँ पे हम चलिए साइट का नाम दे देते हैं, तो हम यहाँ पे साइट का नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर यहाँ पे हम नाम देने वाले हैं
साइट का नाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर देने के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आप ऐसा कुछ रखना कि लोगों को पता ना चले। ज़्यादातर लोग एडमिन रख देते हैं जिससे वो उनकी साइट एक्सेस हो जाती है, तो यहाँ पे एडमिन ना रखे कुछ और रखना, मैं आपको समझाने के लिए एडमिन रख रहा हूँ। अब चलिए पासवर्ड बना लेते हैं अपना एक कठिन। पासवर्ड बनाने के बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल होने में समय लेता है थोड़ा सा। ओके, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, इसे क्लोज करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पर देखिए फोर्स HTTPS ये ऑन होना चाहिए, यानी SSL सर्टिफिकेट इसके अंदर आपको फ्री मिलता है होस्टिंगर के अंदर। तो अब हम चलिए वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं। एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे तो हम अपना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ओके, हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, यहाँ पे गॉट इट कर देते हैं। और यहाँ पे बेसिकली कुछ प्लगइन्स है फालतू के, उन्हें हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। जैसे होस्टिंगर का प्लगइन हमें नहीं चाहिए, हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब हम चलेंगे पोस्ट में, हम देखते हैं पोस्ट में क्या है। पोस्ट में हेलो वर्ल्ड का एक पोस्ट है तो इसे भी ट्रेस कर देते हैं और ट्रेस को एम्प्टी ट्रेस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे और हम यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे एक्स स्टोर थीम। ठीक है, ऐड न्यू बट थीम पे क्लिक कर देना है। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो आपने थीम खरीदा है, जो आपने जिप फाइल खरीदी है, एक्स स्टोर थीम को खरीदा है, उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। तो ये हमारा एक्स स्टोर थीम है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए अभी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा समय लेगा इंस्टॉल होने में। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा थीम यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है और ये हमारा जो थीम है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए ये एक्टिवेट तो हो गया है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल का ऑप्शन है, तो पहले ये इसे कट करते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे थीम रजिस्टर होना चाहिए, थीम रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पे एक्स स्टोर थीम को ख़रीदते हो ना तो आपको एक कोड मिलता है इस तरह से और इस कोड को यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे बेसिकली कोड डाल देते हैं जो हमें कोड मिला है और रजिस्टर सबसे पहले कर लेते हैं, तभी ये थीम पूरा अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है, तो हमने अपना यहाँ पे कोड डाल दिया है, चलिए रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर देखिए अब यहाँ पर लाइव वेबसाइट और स्टेजिंग वेबसाइट, तो हम लाइव वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसे चेकमार्क लगा के यहाँ पे ये चेकमार्क लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आएंगे, एक और है मैनुअल डोमेन वेरिफिकेशन, इसे भी चेकमार्क लगाएंगे और रजिस्टर थीम पे क्लिक कर देंगे। अब जब आप रजिस्टर थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब देखिए थीम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। अब गो टू इम्पोर्ट डेमो पे हम क्लिक करेंगे और गो टू इम्पोर्ट डेमो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डेमो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेगा मार्केट इस टेम्पलेट को यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इंपोर्ट बटन दिख रहा है, इस इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम, तो हम क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम ही यूज करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ें अपडेट हम जब करते हैं तो हमारी साइट क्रैश होने का डर नहीं रहता है। तो हम क्रिएट एंड यूज चाइल्ड थीम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा लोड लेगा और इसे अभी हम यूज करते हैं पूरी अच्छे तरह से। अब पूरा वीडियो बस देखिएगा और यहाँ पे हमारा चाइल्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए ये रिक्वायर्ड प्लगइन्स जो होगा सब इंस्टॉल कर देगा, तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं और इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 99% यहाँ पे अपडेट हो चुका है, देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे कंटेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे बोल रहा है फुल डेमो साइट, तो हम चाहते हैं हाँ हमारी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाएं, तो इसे भी हम एक बार इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं और इंस्टॉलिंग विजेट्स पेजेस पोस्ट सब इंस्टॉल होने देते हैं और उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा 92% यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉलिंग, अब थोड़ा सा और वेट करना है बस ये 96। और देखिए हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेगा मार्केट डेमो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब प्रीव्यू वेबसाइट आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे कर देते हैं क्लिक और देखते हैं हमारी साइट किस तरह से दिख रही है अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा साइट यहाँ पे आ चुका है और ये देखिए हमारी साइट जैसे हमने बोला था कि हम इस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हैं और इस तरह की साइट हमारी बन के रेडी है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारे कस्टमाइजेशन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी साइट कुछ इस तरह से खुल गई है।
अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे खास बात देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आता है और यहाँ पे देखो ये बॉटम में प्रोग्रेस बार भी है। तो प्रोग्रेस बार जैसे जैसे हम यूज करते हैं, ये प्रोग्रेस बार भी दिखाता है कि कितना हमें और अभी स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, तो आई होप ये अभी तक वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और भी वीडियोज आपको मिलेंगे ई कॉमर्स से रिलेटेड। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। चलिए, हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब हम बहुत सारी चीज़ें सेटअप करेंगे, जैसे कि अभी इसे हम कस्टमाइज वगैरह करेंगे। जैसे हमारा ये वेबसाइट जो है, इसमें हम कैसे अपना प्रोडक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये थीम ऑप्शन मिल जाता है, एक्स स्टोर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स स्टोर की बात कर लेते हैं। तो एक्स स्टोर का डैशबोर्ड में हम चलते हैं सबसे पहले, और डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती। सारी चीज़ें मैं सारा ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम आया, थीम ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो थीम ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पे, और थीम ऑप्शन में जाने के बाद बेसिकली हम यहाँ पे अपनी साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर है हमारा जनरल लेआउट। जनरल लेआउट पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साइट लेआउट क्या है। तो यहाँ पे आपको वाइड लेआउट मिल जाता है, बॉक्स्ड मिल जाता है, फ्रेम्ड मिल जाता है, बॉर्डर्ड मिल जाता है। तो जो भी इसमें आपको लेआउट पसंद आता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार बॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो देखिए बॉक्स करने पे ना इसका यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अप्लाई होने देते हैं। देखो आप अच्छे से समझोगे ना तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली कर पाओगे आप। तो यहाँ पर देखिए ये अप्लाई हो चुका है। चलिए हम इसे एक बार हाइड करते हैं और देखते हैं अभी कैसा लुक आ रहा है। तो ये देखिए बॉक्स्ड है, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी ये जो है ना, अब सेटिंग पर क्लिक करके एक बार हम आते हैं और दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करके दिखाते हैं, फ्रेम्ड वाला दिखा देते हैं। तो ये भी अप्लाई होगा, फ्रेम वाला जो आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हो। सब बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपको पसंद आ रहा है, लगता है कि हाँ ये प्रॉपर अच्छा लग रहा है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई होने देते हैं। ये थोड़ा पूरे साइट पे अप्लाई होता है, ये वहाँ पे अप्लाई अब देखिए हो चुका है। अभी इसे हाइड करते हैं। अभी देखिए कुछ इस तरह का लेआउट है। ठीक है, ये फ्रेम्ड वाला लेआउट है, इसके अंदर फ्रेम लग चुका है। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से बैक करते हैं और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वाइड लेआउट। यहाँ पे वाइड लेआउट ही बढ़िया है, आप चाहो तो बॉक्स वाला भी यूज कर सकते हो, बॉक्स्ड वाला भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे साइड का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल आप कर सकते हो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस क्वेश्चन मार्क पे लाओगे कर्सर तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये क्यों आपको ऑन करना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बेसिकली देखिए यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक्स हमारा ऑन है, इमेज लोडर है। ठीक है, आप इमेज लोडर भी यूज कर सकते हो, क्लासिक विजेट है, एक्स स्टूडियो है। उसके बाद यहाँ पे मेनू एडवांस है, ये सारी चीज़ें इनेबल है, तो रहने देते हैं। अब यहाँ पे बैक करते हैं। दूसरा ऑप्शन ब्रेड क्रम्स का है, तो ब्रेड क्रम्स जब आप ओपन करोगे तो ब्रेड क्रम्स कहाँ पे आना चाहिए। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट हमारा है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रोडक्ट हम ओपन कर देते हैं। और प्रोडक्ट ओपन करोगे तो जो ब्रेड क्रम्ब होता है ना, उसके ऊपर हम चलिए बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्टाइल क्या होना चाहिए ब्रेड क्रम्ब का, तो लेफ्ट इन लाइन है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो रख सकते हो, आप चाहो तो ब्रेड क्रम्ब को डिसेबल भी कर सकते हो। तो लेफ्ट इन लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्रेड क्रम्ब है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से आ रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब लिख के आ रहा है जब कर्सर ला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो ब्रेड क्रम के अंदर, ये सारे चेंजेस जैसे कि बैकग्राउंड कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पैडिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, मतलब मैक्सिमम चेंजेस आप कर सकते हो। चलिए ब्रेड क्रम हो गया, अब ग्लोबल सेक्शन में आते हैं। ग्लोबल सेक्शन में आप आओगे ना तो सबसे पहले हम बेसिकली होम पे चलते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल सेक्शन में देखिए मेन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप ना कहाँ पे दिखाना चाहते हो, बिफोर साइट।
तो ग्लोबल सेक्शन में बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, जो ये है वैसे ही आपको रहने देना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अब बैक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए हेडर बिल्डर है, तो हेडर बिल्डर को भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हेडर बिल्डर पे क्लिक करना है और इनेबल कस्टमाइजर हेडर बिल्डर को ये इनेबल कर दोगे। तो इनेबल करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद चेंज यू मेड नॉट बी सेव्ड रीलोड कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो इनेबल कस्टमाइजर हेडर बिल्डर हमने इनेबल किया है और इसे रीलोड कर देते हैं। इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे हेडर बिल्डर पे जाएंगे, तो हेडर बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए लोगो, हेडर टेम्पलेट, टॉप हेडर, मेन हेडर, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। मोबाइल में मेनू क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन मेनू क्या होना चाहिए, मेन मेनू क्या होना चाहिए, कार्ट, विश लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे कार्ट वाला है, ये कार्ट वाला माई कार्ट ऑप्शन आ रहा है, कार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आप कस्टमाइज करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे ये स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, आइकॉन कौन सा लगाना चाहते हो वो आइकन लगा सकते हो, साथ ही साथ जो चीज़ें रिमूव करना चाहते हो रिमूव, और डेस्कटॉप मोबाइल में जैसा रखना चाहते हो रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब कस्टमाइजेबल है पूरा। एक्स स्टोर थीम बहुत ही बढ़िया है और ये ई कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज है, तो इसमें सारे कम यहाँ पे बेसिकली सारे जो चीज़ें हैं उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। विश लिस्ट है, इसे कम यहाँ पे कर सकते हो। ये कंपैरिजन वाला जो है ना, ये कंपैरिजन वाला, इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। माय अकाउंट, सर्च, सोशल मीडिया, सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, विजेट्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैक करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन कर सकते हो वहाँ से जहाँ से करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो फुटर का ऑप्शन है, तो फुटर आप यहाँ से फुटर का लेआउट आप चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये देखिए फुटर का लेआउट है। और यहाँ पे बैक करते हैं, फुटर स्टाइलिंग, कॉपीराइट स्टाइलिंग, बैक टू टॉप बटन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अब बैक करते हैं, मोबाइल पैनल भी है यहाँ पे ऑप्शन है, मोबाइल पैनल पे आओगे तो मोबाइल पैनल पे यहाँ पे देखो सेक्शन है, यहाँ पे ये ऑन है मोबाइल पैनल वाला, और मोबाइल में देखिए अभी हमारी साइट कैसे इस तरह से दिखेगी। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन अब मोबाइल के लिए यहाँ पे है, तो मोबाइल के लिए भी सारे फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। मोर टॉगल, कस्टम, कस्टम, ये सारी चीज़ें, नया आइटम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और लेबल यहाँ पे ऑन है, शो टेक्स्ट ऑन है, मेनू यहाँ पे ऑन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर दी रही हैं, जो आप चाहते हो वो यूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐप हमने ओपन किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मोबाइल वाला भी वर्जन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइलिंग, कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल एंड कलर में आओगे तो इसके अंदर कलर वगैरह भी आप इजीली चेंज कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम डेस्कटॉप वर्जन में इसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कलर वगैरह आप आसानी से चेंज कर सकते हो, जो कलर आप रखना चाहते हो, एक्सेंट रखना चाहते हो मेन कलर, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसे अब हम बेसिकली यहाँ पे बैक करेंगे और भी हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब एज वेरीफाई के लिए पॉपअप भी यहाँ से आप यूज कर सकते हो। वूकॉमर्स शॉप जो है वो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर का नोटिस लगा सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग यहाँ से, प्रोडक्ट का इमेजेस वगैरह, यहाँ पे जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो अपने वूकॉमर्स में तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होंगी। जैसे कार्ट पेज को आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो कार्ट पेज यहाँ पे है, क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स, एमपीटी कार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसे हम बैक करते हैं, सारी चीज़ें अगर हम करके दिखाने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर भी मिल जाता है, सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो बिल्डर से। कार्ट चेकआउट लेआउट जो है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एडवांस लेआउट है, ये ऑफ है, इसे आप ऑन करोगे, ऑन करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए चेकआउट वाला जो आपका लेआउट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएंगी और ये लोड होगा। और बेसिकली यहाँ से आप जो भी स्टाइल रखना चाहते हो सब रख सकते हो यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे लेआउट क्लासिक है, मल्टी स्टेप, सेपरेटेड, सब आप रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। विशलिस्ट, कंपेयर, चेकआउट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब टाइपोग्राफी, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हो, टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हो तो टाइपोग्राफी में आओगे, और टाइपोग्राफी में आने के बाद आप फॉन्ट फैमिली, वेरिएंट, फॉन्ट साइज,
लाइन हाइट अपने अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है ना वो काफ़ी अच्छा है, मच बेटर है, ठीक है, क्योंकि हमने टेम्पलेट इम्पोर्ट किया था और वो काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन है, ब्लॉग वाले सेक्शन को भी आप यहाँ पे ब्लॉग लेआउट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जो लेआउट आप रखना चाहते हो जिस टाइप का वो लेआउट यहाँ से आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पे साइड बार का पोजीशन भी देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, कुछ इस तरह से आपका ब्लॉग का लेआउट हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, ठीक है, यही रहने देते हैं और काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ से आप पब्लिश करते रहेंगे, जो भी चेंजेस हो रही हैं ना, ये पब्लिश बटन है, पब्लिश बटन पर क्लिक करके चेंजेस को आप सेव करते रहिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक करिए, सिंगल पोस्ट जो है वो कैसा दिखेगा तो वो भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखेगा। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो लेआउट आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसी को हम रहने देते हैं। तो सिंगल पोस्ट को भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, पोर्टफोलियो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो, सोशल शेयरिंग वाला यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ GDPR एंड कुकीज का जो ये ऑप्शन होता है इसे भी यहाँ से आप लगा सकते हो, इसे इनेबल कर दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैक करते हैं और SEO के हिसाब से यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी चीज़ें इनेबल SEO सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें आप SEO के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि कस्टम मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हो, मेटा कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ओपन ग्राफ इमेज यहाँ पे आप डाल सकते हो, नो इंडेक्स टैग फॉर URL अगर इसे आप इनेबल करोगे ना तो जिसको चाहते हो कि वो इंडेक्स ना हो तो वो इंडेक्स नहीं होगा यहाँ से, तो इसे बेसिकली ऑफ रखना है, इसे कुछ करना नहीं है, उसके बाद पब्लिश कर लेना है, ठीक है। तो ये SEO वाला काम भी आपको कर लेना है। 404 को आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, 404 कस्टमाइज कर सकते हो और जो दिखाना चाहते हो वो वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। थीम में कस्टम CSS लगाना चाहते हो तो ये कस्टम CSS भी यहाँ से आप लगा सकते हो। साइट आइडेंटिटी में आप यहाँ पे अपने साइट का टाइटल, साइट का टैगलाइन और साइट का आइकन, अगर आप साइट का यहाँ से आइकन लगाना चाहते हो तो वो आइकन भी यहाँ से लग जाएगा, ठीक है, जिसे हम फेव आइकन बेसिकली बोलते हैं, तो यहाँ से वो लगा सकते हो। स्पीड के ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो आप अपने स्पीड को भी यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। ये बहुत ही बढ़िया थीम है, इसमें हर एक फीचर है, मेनू, विजेट्स, होम पेज का सेटिंग्स, सारी चीज़ें कर सकते हो। होम पेज सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो स्टैटिक पेज हम यूज कर रहे हैं होम पेज में, चलिए होम पेज पे चलते हैं। तो स्टैटिक पेज यहाँ से सिलेक्टेड है और यही पेज हम बेसिकली यूज कर रहे हैं, तो होम पेज में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। एडिशनल CSS यहाँ पे दी गई हैं और आप एक बार जो डिज़ाइन कर लेते हो उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो इस ऑप्शन से, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और इसे पब्लिश कर देना है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया सारी चीज़ें सेटिंग्स करने की, कि कैसे हम अपनी साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए ये पब्लिश कर लेते हैं, जितना भी सेटिंग्स मैंने बताया ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं कट करके, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, कट हो गया ये। अब हम अपने चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद अब हम यहाँ पे और भी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम WooCommerce सेटअप करेंगे। WooCommerce पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। WooCommerce में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सेटिंग करनी होती हैं आप लोगों को, वो मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब देखिए वेलकम टू वू, अब सेटअप माई स्टोर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब यू, आई एम जस्ट स्टार्टेड माई बिजनेस, ठीक है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका नाम रहेगा, इंडस्ट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो हम यहाँ पे अदर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको आपका स्टेट आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे चेक मार्क लगा लेना आप, ठीक है, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए गेट अ बूस्ट विद आवर फ्री फीचर्स, तो ये सारे फीचर्स हैं, चलिए इसे कंटिन्यू ही कर लेते हैं। वो लेट्स गेट योर फीचर रेडी, तो यहाँ पे हमारा जो फीचर्स है वो रेडी हो रहा है, बस जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप करते चले जाइए, आपका ई कॉमर्स अच्छे से एकदम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो रहा है, वेट करिए,
यहाँ पे जेटपैक हमसे ऑथराइजेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग योर अकाउंट हो रहा है, चलिए इसे होने देते हैं, ये थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है, ओपनिंग द डोर्स, अब यहाँ पे लगभग हमारा मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं। ओके, हम यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें लगभग सेटअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, देखते हैं क्या क्या ओपन होता है यहाँ पे। अब बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे हम देखिए हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स, कस्टमर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या सेटअप करना है, हमें एक बार सेटिंग बटन पे जाना है। वूकॉमर्स के सेटिंग पे जाने के बाद हम कुछ चीज़ें करनी है। वूकॉमर्स के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस है, सिटी डाल देना है। तो चलिए हम सिटी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिटी डालने के बाद यहाँ पे जिप कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सेलिंग लोकेशन, कहाँ सेल कर, सेल टू ऑल कंट्री, कहाँ तक आप सेल करोगे, तो बेसिकली हम सेल टू स्पेसिफिक कंट्री कर देते हैं, क्योंकि हम अभी इंडिया में ही मान लेते हैं हमें सेल करना है, तो आई इंडिया, इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे। और भी कंट्री आप जहाँ पे सेल करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। शॉपिंग लोकेशन ये सब बाई डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो करेंसी आपका मिल जाएगा, करेंसी क्या रखना चाहते हो, हम INR रखेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस प्रोडक्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे शॉप वाला पेज है, और यहाँ पे बेसिकली नीचे की तरफ प्लेस होल्डर इमेज 9, और यहाँ पे वेट यूनिट वगैरह रहेगा। तो जो भी चीज़ें आप बेच रहे हो, अगर कोई है ऐसा प्रोडक्ट, तो केजी वगैरह, सेंटीमीटर और भी आपको वैल्यू मिल जाएंगे जिसे आप मेजर करते हो, तो ये सारे वैल्यू आप यहाँ पे ऐड कर लोगे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, सो वेरीफाइड लेवल कस्टमर रिव्यू, ये भी रहने देना। एंड यहाँ पे इनेबल स्टार्ट रेटिंग ऑन रिव्यू, सही है। ठीक है, अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर ना, प्रोडक्ट के अंदर इन्वेंट्री है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरीज है, एडवांस चीज़ें हैं। तो इसके अंदर इन्वेंट्री पे हम सबसे पहले जाएंगे, और इन्वेंट्री के अंदर क्या चीज़ें सेटअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेंट्री के अंदर इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, इसे ऑन कर लीजिएगा। होल्ड स्टॉक मिनट्स 60 यहाँ पे है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिएगा अगर आउट ऑफ स्टॉक रहता है, और नोटिफिकेशन का ईमेल यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जिससे जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चेंजेस अभी नहीं करने हैं। और यहाँ पे बोल रहा है हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम फ्रॉम द कैटलॉग, अगर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा अगर आप इसे चेक मार्क लगा देंगे, तो इसे रहने देते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए फोर्स कर सकते हो, और साथ ही साथ डाउनलोड रिक्वायर लॉगिन अगर इसे चेक कर देते हो तो डाउनलोड करने के लिए लॉगिन रिक्वायर करेगा, लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन लोग कर लेंगे। और यहाँ से देखिए फोर्स डाउनलोड और रीडायरेक्ट ओनली, तो ये फोर्स डाउनलोड ही सही है बाई डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर आपको बेसिकली ओपन डाउनलोडेबल फाइल ऑन ब्राउजर, तो ये भी चेक मार्क लगा सकते हो, वो जो डाउनलोड होगा वो बेसिकली ब्राउज़र में ओपन होगा। ठीक है, अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरीज पे करते हैं क्लिक, तो इसके अंदर ये जहाँ पे आप रखोगे ये डायरेक्टरीज हमारा रहेगा। ठीक है, सही है। एडवांस पे चलते हैं, एडवांस के अंदर आ चुके हैं हम, और यहाँ पे बोल रहा है यूज़ द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लुकअप टेबल फॉर कैटलॉग, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है। अब शिपिंग पे चलते हैं, तो शिपिंग पे आ चुके हैं, और इंडिया यहाँ पे हमें फ्री शिपिंग का ऑप्शन है, इसे कट करते हैं। फ्री शिपिंग का जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से ऐड जोन भी, शिपिंग जोन ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जोन देख सकते हैं इंडिया, और यहाँ पे फ्री शिपिंग इनेबल कर सकते हो, आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो, और शिपिंग मेथड और भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें, बहुत सारी फीचर्स इसमें मिल रहे हैं आपको। ठीक है, शिपिंग सेटिंग्स पे चलते हैं। शिपिंग सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो ओवरऑल आपको ये जो करना है ना, तो सारी चीज़ें इसके अंदर फीचर मिल रहे हैं। अब देखिए इनेबल शिपिंग शॉपी शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, शिपिंग कॉस्ट अंटिल एड्रेस इज इंटर, हाइड शिपिंग कॉस्ट, मतलब जो पैसा है शिपिंग कॉस्ट है वो जब तक एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक हाइड रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर, इसे इनेबल कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेना। ठीक है,
अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं, ये बेसिकली इसे छोड़ दें, अब पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे आते हैं और इसे लीव करते हैं बेसिकली। देखिए पेमेंट वाला ऑप्शन ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई प्रोडक्ट आपका खरीद रहा है ना तो पेमेंट मेथड भी ऐड करना होता है, और वही पेमेंट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे तीन पेमेंट मेथड आपको मिल जा रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, इसे सेटअप करना होता है आपको। चेक पेमेंट ऑप्शन है, इसे भी इनेबल करके सेटअप करना होता है। और कैश ऑन डिलीवरी है, तो ये बेसिकली जब आपका प्रोडक्ट जाएगा तो हैंड टू हैंड पैसा ले लेना है। तो ये चीज़ें हैं और इसके अंदर आप ना सेटअप कर सकते हो, जैसे पे यू फॉर वू कॉमर्स। तो इसके लिए आपको पे यू पे अपना अकाउंट बनाना होता है, और पे यू पे अपना अकाउंट बना के यहाँ से आप इसे सेटअप कर सकते हो। एक प्लगइन आता है पे यू का, उसे इंस्टॉल करके वो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ईजिली आप पेमेंट स्ट्राइप यूज कर सकते हो, रेजर पे यूज कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली आप ये पेमेंट मेथड जो हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करके आप यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो देख सकते हो कैसे सेटअप होता है, और इन्हें बेसिकली आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हो। तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो ऑनलाइन पेमेंट आपका होता रहेगा। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे चलते हैं, ठीक है। अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आने के बाद इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। ईमेल्स पे चलते हैं, ठीक है। ईमेल पे आने के बाद ईमेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नया ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ऑर्डर का सारा डिटेल्स ईमेल के थ्रू ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब जो जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ें ईमेल पे हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, तो ये भी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन में आने के बाद यहाँ पे बेसिकली एक मैक्स माइंड लाइसेंस की आता है, तो इसे हमें बेसिकली यूज नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हमें ज़रूरत ही नहीं है। एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में आने के बाद बेसिकली यहाँ पे कार्ट पेज आपका सेटअप है, चेकआउट पेज सेट है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं, टर्म एंड कंडीशन के लिए एक पेज आपको बनाना होता है, टर्म एंड कंडीशन का पेज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है, बस। यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं और इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सेव कर लेना है बस। पेमेंट मेथड अच्छे से आप सेटअप कर लेना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, तो प्रोडक्ट्स पे आना है और अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो यहाँ से। अब प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, तो प्रोडक्ट्स और भी आप बना सकते हो। कैसे, जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे ना तो आप नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं वॉच, एक हमारा वॉच है, ठीक है, तो वॉच हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो रेगुलर प्राइस क्या है, ठीक है, रेगुलर प्राइस हम मान लेते हैं 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे हम बेच रहे हैं इसे 599 में, और उसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर सेल भी स्टार्ट कर सकते हो, इतने बजे सेल चालू होगा तो वो उसमें ज़्यादा सेल होने के चांसेस रहते हैं। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, वर्चुअल है, डाउनलोडेबल है, तो बेसिकली अगर आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आप बता देना। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेंट्री में आ जाना है। इन्वेंट्री में आप यहाँ पे GST वगैरह अगर लेना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम अभी GST नहीं लिए हैं तो वो सारी चीज़ें हम नहीं ले, आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक, ऑन बैक ऑर्डर, ये सारी चीज़ें सेटअप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और चाहते हो कि हमारा एक प्रोडक्ट ही खरीद पाए आदमी, जैसे कोई आता है तो मल्टीपल ऑर्डर करता है, जैसे 4-5 चाहिए उसे, तो वो वहाँ से ले सकता है, लेकिन लिमिट कर दोगे तो वो केवल एक ही एक बार में बाई कर पाएगा। तो ये लिमिट आपके ऊपर करना चाहते हो कि नहीं, तो शिपिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे शिपिंग का सेटअप कर सकते हो। प्रोडक्ट का वेट कितना है, लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगा देनी है। शिपिंग क्लास क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लगाओगे। लिंक प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस सेलिंग करना चाहते हो तो उस आपका कोई और भी प्रोडक्ट है तो यहाँ से उसे लिंक कर सकते हो, उसको सर्च करोगे वो उसके नीचे शो होने लगता है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में चलते हैं। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे परचेज नोट, मेन्यू ऑर्डर और इनेबल रिव्यूज हमारा रहेगा। परचेज नोट यहाँ पे आप डाल सकते हो। गेट मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसके लिए ये सारे एक्सटेंशन लगते हैं, तो ये एक्सटेंशन यूज करना होता है आपको। पिंटरेस्ट का ऑप्शन है, क्वांटिटी टाइप है, एस्टिमेटेड डिलीवरी कितना लगेगा,
ठीक है, एस्टिमेटेड डिलीवरी में चलते हैं। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डिलीवरी कितना दिन लगेगा वो आप सेटअप कर सकते हो। क्वांटिटी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये इनर हीट ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वगैरह के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप नन कस्टम जो करना चाहते हो कर सकते हो। और बॉट टुगेदर, नहीं जब हम कुछ बाई करते हैं तो उसके साथ कहते हैं कि ये भी ऑप्शन है, ये भी खरीद सकते हो इसके साथ, तो वो प्रोडक्ट यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे देना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। वो देने के बाद अब बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारा कुछ करना नहीं है। यहाँ से थंबनेल वगैरह आप यूज कर सकते हो, एडिशनल कस्टम ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, और बेसिकली यहाँ पे कस्टम टैब भी दे सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स, मेटा कीवर्ड्स, ओपन ग्राफ URL, मेटा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और सिंपली आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ से कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करके प्रोडक्ट का टैग लगा के यहाँ पे आप ब्रांड वगैरह सब कुछ सेटअप कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छा है। और पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट जो है आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हम ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। थोड़ा ओपन हो रहा है, ओपन हो जाने देते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपका दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा ऑप्शन यहाँ से वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ब्रांड कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और जो रिव्यू जाएंगे ना वहाँ पे वो रिव्यू यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। ये रिव्यू में आओगे तो ये सारे देखो रिव्यू पड़े हुए हैं, तो आपको रिव्यू का भी पता चलता रहेगा कि कैसा यहाँ पे रिव्यू मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह से आप सेटअप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो WooCommerce वेबसाइट यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना ईजी है, प्रोडक्ट सेल करना ईजी है। बस बेसिकली आपको क्या करना है कि बस आपको एक्स स्टोर थीम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है टेम्पलेट को, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह सेल आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, सेटिंग में आना है, परमा लिंक में आप आओगे ना तो परमा लिंक में एक चीज़ सेटअप पहले ही कर लेना जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इसे ओपन होने देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जो परमा लिंक है ना, वो देखो पोस्ट नेम होना चाहिए, जैसे कि इसमें सिलेक्टेड है, तो पोस्ट नेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैसे यहाँ पे ई कॉमर्स साइट सेटअप किया जा सकता है यूजिंग एक्स स्टोर थीम। और एक्स स्टोर थीम को आप इन्वेटो मार्केट से बाई कर सकते हो, ठीक है। इन्वेटो मार्केट थीम फॉरेस्ट .net पे आओगे तो आपको एक्स स्टोर थीम मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करें और कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को बनाएं और अपने प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी वीडियोज आपको मिलेंगी। और रही बात, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाते हैं, तो 8x स्टोर का जो स्टूडियो है ना, यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट का सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। एक्स स्टोर AMP आप डाउनलोड कर सकते हो, एक्स स्टोर कोर डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्लगइन्स दिख रहे हैं, इन सबको यूज करके आप अपने स्टोर में लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।